वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। सत्ता बलवंड जी ने तन गुरु रामदास जी दे बारे ए बचन उचारण कीते हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 968 उत्ते सुभायमान हैं। वो कहंदे हैं कि तन गुरु रामदास जी, तुसी तन हो। आप जी नु जिसने सिरिया है, भाव पैदा कीता है, उसी ने आप जी नूं सवारिया भी है। गुरु रामदास जी नूं सिरजन वाले ने सवारिया किवें है, आओ अज असीं इस उत्ते विचार करने हां। अवतारी अते पूरन पुरख धन गुरु रामदास जी दा प्रकाश लाहौर दे चूना मंडी शहर दे विच पिता सोढे हरदास जी अते माता दया कौर जी दे घर 2 नवंबर सन 1534 ईस्वी दे विच होया। माता पिता ने उन्हां दा नाम रामदास रखिया, पर घर विच पहला बच्चा होण करके माता पिता उन्हां नूं प्यार नाल जेठा जी कहण लग गए। 2 साल दी छोटी जिन्नी उम्र दे विच ही माता जी दा स्वर्गवास हो गया अते 7 साल दी उम्र दे विच पिता जी भी अकाल चलाना कर गए। दादा दादी, ताए चाचे, भूआ फुफड़ कोई भी नेड़े ना लगे। नानी बासरके तों आई, झोले दे विच जेठा जी दे 2 जोड़े कपड़े पाए अते बूए नूं ताला मार के जेठा जी दी उंगल फड़ के तुर पई। जेठा जी ने नानी नूं कहा, नानी ए ताला जिहड़ा असीं लाया है ए कदों खुलेगा? नानी ने कहा, जिहने लवाया है ओही जाणदा है। बासरके भी नाना जी नहीं सन, उन्हां दे मामा भी नहीं सन, इस करके उत्थों दे हालात भी बहुत चंगे नहीं सन। नानी जेठा जी नूं हर रोज घुंगणियां उबाल के दिंदी अते ओह रोज गलियां गलियां दे विच घुंगणियां वेच के जिन्ने पैसे कमा के लियांदे ओह नानी दे हथ दे उत्ते धर दिया करदे सन। एक दिन जेठा जी ने नानी नूं कहा, नानी जी मैं भी बाहर बच्चियां नाल खेड़ा वा। जा पुत्तर खेड़ा। ते नानी घर दे काम दे विच लग गई। कुछ चिर पिछों नानी ने देखिया कि जेठा ते अंदर मंजी दे उत्ते बैठिया है। नानी ने कहा, पुत तू खेड़ के नहीं आया? नानी मैं ते खेड़दा पिया सा, बच्चे भी मैनू खड़ांदे पए सी, पर उन्हां दीआं मावां उन्हां बच्चियां दीआं बाहवां फड़ के अंदर लै गईआं ते उन्हां नूं कहण लगीआं, इहदा मूंह देखणा चंगा नहीं हैगा, इसने ते सारा घर ही उजाड़ दिता है। अच्छा पुत, कोई ना, देखी अयो लोकी एक दिन तेरे दर्शना नू तरसनगे। नानी ने सही किया, अज सारी दुनिया उना दे दर्शना नू तरसदी पई है। बस सरके तो नानी जेठा जी नू लेके गोविंदवाल आ गए। उथे भी ओ घुंगड़ियां वेचिया करदे अते बाकी समय दे विच गुरु अमरदास जी दे दर दे उत्ते आईयां संगतां दीयां सेवा करिया करदे। एक दिन नानी ने जेठा जी नूं घुंगणियां उबाल के टोकरी च पा के दित्तियां ते कहा, जाओ जेठा जी इन्हां नूं वेच आओ। जेठा जी घुंगणियां वेच के बहुत जल्दी घर वापिस आ गए। नानी ने कहा, जेठिया अज तां बड़ी छेती आ गया, बड़ी छेती सारियां वेच आयो, अते घुंगणियां भी बहुत सारियां मैं उबालियां सीगियां, ते घुंगणियां गरीब लोग ही खांदे ने, किवें एडी जल्दी सारियां वेच आयो? जेठा जी ने कहा, नानी अज ते घुंगणियां बड़े ही महंगे भा विकियां और सारियां ही विक गईयां, बहुत छेती वेच आया वा। ओ किदां, एडी छेती किदां विक गईयां सारियां? लिया विखा मैनू पैसे, किथे ने, किन्ने पैसे दियां वेच के आया? नानी अज उन्हां पैसियां दियां नहीं विकियां जिहड़ियां रोज मैं वेच के आंदा सां। अच्छा फिर किदां विकियां? नानी जदों मैं जांदा सां ना घुंगणियां वेचण रोज, ते मैं बच्चियां दियां मावां नूं कहिंदियां सुणदा सां, पुत आजा दुध पी लै, पुत आजा तेरे मैं केस वा दवां। कोई मां कहिंदी सी, आजा पुत आ तेन मैं रोटी खवा दवा। ते नानी मेरे मन च रोज ये विचार आंदा सी
कि मैनू पुत कहण वाली मेरी मां, मैनू पुत कहण वाला मेरा प्यो इस दुनिया तो क्यों जल्दी चला गया। अज नानी की होया, जदों मैं घुंगणियां वेचण जा रहा सां ते मैनू आवाज आई, पुत खलो जा। मैं समझिया कि कोई प्यो अपने पुत नू आवाज मार रहा है, मैं टुरदा गया। फिर दोबारा मैनू आवाज आई, ओ घुंगणियां वाले पुत खलो जा। फिर मैं खलो गया। फिर मैं पिछे मुड़ के देखिया ते एक फकीर खड़ा सी। मैं ओदे कोल गया। फकीर मैनू देख के कहंदा है, तू एनी छोटी उम्रे घुंगणियां वेचदा पिया, लगदा तेरी भी कोई मजबूरी जरूर होनी है। पर पुत मैनू ना भुख बड़ी लगी है। लो बाबा जी घुंगणियां छक लो। पर पुत मेरे को पैसे तो है नहीं। कोई गल नहीं, बिना पैसों दे छक लो। फिर मैं थले बह गया, टोकरी रखी ते मैं बाबा जी नू घुंगणियां खवातियां। जदों मैं नानी जी घुंगणियां खवा रहा सीगा, होर फकीर भी आ गए। वो भी आके घुंगणियां छकन लग गए। मेरियां घुंगणियां फटाफट सारियां ही विक गईयां, बिना बिना पैसों दे सारियां ने छक लिया। मैं पैसे नहीं लिते, पर घुंगणियां मैं सारियां नू छकातियां। उन्होंने बड़े प्यार न छकिया और उन्होंने मैनू पुत भी किया। एडा महंगा भा ते मैनू कदी भी नहीं मिलिया। दोते दियां ये गल्लां सुन के नानी दे अखां चो हंजरू हंजू डिगन लग पए। जेठे जी ने नानी दे मुंह वल देखिया, पल्ले नाल हंजू पूंजदे होया नानी नू कहा, नानी जी तुसी इस करके रोंदे हो ना कि आपां बड़े गरीब हां। अज मैं पैसे नहीं लियाया तुहाडे, अज हत्थ दे उत्ते मैं पैसे नहीं धरे, तुसी तां करके रोंदे हो। नहीं पुत, मैं तां गुरु दे अगे अरदास करदी पई हां कि हे रब्बा, जिस ने इहनूं बादशाहां वाले हत्थ दित्ते हन, बादशाहां वाला हिरदा दित्ता है, तू इस नूं खजाना क्यों कंगालां वाला दित्ता है? इस नूं खजाना भी बादशाहां वाला दे तां कि लुटा सके। पता नहीं ओ केड़ी कड़ी नानी दी अरदास गुरु दे दर दे उत्ते प्रवान होई। अज गुरु रामदास जी अपने खजाने लुटांदे नहीं थकदे ते दुनिया उहनां नूं लुटदी नहीं थकदी। जिस रामदास जी नूं दुनिया कहा करदी सी कि इहदा घर उजड़ गया है, अज उसे जेठे दा घर सोने दा बनिया है। उस दी नगरी नूं सारी दुनिया कहिंदी है वसदी सगल अपार अनूप रामदासपुर, जिस नूं लोकी कहिंदे सी इहदे कोल 2 वक्त दी रोटी नहीं हैगी, अज उहदे घर 24 घंटे लंगर चल रहे हन। उस दे दर तों कोई भी भुखा नहीं जांदा। जिहनूं लोकी कहिंदे सी कि इहदे कोल पाण नूं कपड़े नहीं हैगे, अज उहदियां पोशाकां 2.5-2.5 लाख दियां हन और उस पोशाकां नूं चढ़ाण वास्ते लाइनां लगियां पईयां हन। इसे करके सत्ते बलवंड ने ठीक किया ना, जिन सिरिया तिने सवारिया, जिहनूं उहने पैदा कीता उसे ने उहनूं सवार दित्ता। जिस जेठे नूं लोकी कहिंदे सी कि इहदे नाल विआह कौण करेगा, उसे जेठे जी दा विआह गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी दे नाल कर दित्ता। बीबी भानी जी दी कुखों गुरु रामदास जी दे घर 3 सपुत्र पृथ्वीचंद, महादेव अते गुरु अर्जुन देव जी ने जन्म लिया। अज जदों सिख जगत दे अंदर कोई भी आनंद कारज हुंदा है ते गुरु रामदास जी दे दियां उचारण कीतियां होईयां लावां तों बगैर ओ आनंद कारज संपूर्ण नहीं हुंदा। अज सारे सिख जगत दे विआह गुरु रामदास जी दियां पढ़ियां होईयां लावां दे नाल ही हुंदे हन। जिहनूं लोकी कहिंदे सी कि एक दिन भी इह स्कूल नहीं गया, इहने पढ़ाई नहीं कीती, उसे गुरु रामदास जी ने 30 रागां दे विच 638 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कीते हन, जिन्हां नूं उन्हां दे खानदान दे उत्ते शक सी। उन्हां नूं असीं दस दईए कि
कि बेदी गुरु नानक देव जी दे कोल एक जामा गद्दी रही, त्रेहन गुरु अंगद देव जी दे कोल गद्दी भी एक जामा रही, पल्ले गुरु अमरदास जी दे कोल भी गद्दी एक ही जामे रही, सोडे सुल्तान गुरु रामदास जी दे कोल गद्दी सत जामे रही, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। गुरु अमरदास जी तो गद्दी मिलन तो बाद भाई जेठा जी गुरु रामदास जी बन गए। गद्दी मिलन तो बाद गुरु रामदास जी नु अपनी पिछोकड़ याद आई। जदों उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी दे उत्ते निगाह मारी तो वह गुरु दे चरणा दे विच ढह पए अते उन्होंने शब्द उच्चारण किया, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। गुरु नानक दी चौथी जोत हरिमंदिर दे विच 7 साल जगमगांदी रही। अज भी वो जोत सारे जगत नू प्रकाश दे रही है, आनंद दे रही है। आप जी ने संतोखसर सरोवर दी नींव रखी। इस अमृत सरोवर दे विच शनान करन नाल कोढ़ियां दे कोढ़ अते रोगियां दे रोग दूर हुंदे हन। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। हरिमंदर साहिब जी सिख जगत नू गुरु रामदास जी दी एक बहुत वड्डी देन है। इत्थे 8 पहर नाम बाणी अते गुरु के लंगर दे प्रवाह चलते रहते हैं। इत्थे गुरु दी रहमत अते बख्शिश हर वक्त बरसदी है। जो चैन अते सुकून इत्थे आके मिलता है वो दुनिया दे किसे कोने दे विच नहीं मिलता। इसलिए पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिठे सबे थाओ नहीं तुद जेहया। जिस जेठे नू लोकी अनाथ कहंदे सी, अभागा कहंदे सी, उसे जेठे दे दर दे उत्ते अज पूरे संसार दियां संगतां हाथ जोड़ के बेनती करदियां हन, हे गुरु रामदास जी तुसी सानू अपनी शरण दे विच रख लो, तुसी अपनियां बख्शिशां अपनियां रहमतां साडी झोली दे विच पाओ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुन्यों गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई, गुरु रामदास राखो शरनाई, राखो शरनाई, राखो शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।